जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाय व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज वंस अगेन योर होस्ट अनुपम गंभीर लाइव टुडे। आई एम ऑन द मेन गोल्फ कोर्स रोड। दिस इज द डेड एंड टुवर्ड्स द गोल्फ कोर्स रोड। इन दिस स्पेसिफिक रूट on which I'm traveling, the main golf course, will connect you towards the golf course extension road. I would ask my colleague Ankit to rotate the camera a little bit towards the roundabout which we are just passing through. This says I love Gurugram. This is the roundabout 454, 55 sector. Towards on the left hand side, this is a complete 55 sector of SL2. We are going towards the golf course extension road. The motive to discuss the routes with you in this video is crystal clear. We are coming up with a new project. I mean, this is not we, this is a very reputed brand which has created its own niche, which has carved its legacy with many obstacles that they have faced in the past, and now they've almost here in Gurugram and they have been here since a little while. अपना एक benchmark उन्होंने लगाया यहाँ पर, एक set करा है benchmark. मैं किसी और डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट M3M. दिस डेवलपर M3M हैज़ मैनी अ प्रोजेक्ट्स इन द रीजन। भाई गुड़गांव के बारे में दो ही डेवलपर्स काम करते हैं ऐसा लगता है, या फिर DLF है या M3M है। और भी डेवलपर्स हैं बट उनकी जो काउंटिंग है इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो गेम चेंजर्स हैं, द गेम चेंजर इज़ ओनली वन एंड ओनली M3M. सो इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पैरेलल, विच इज़ एडजॉइनिंग सेक्टर 57, विच इज़ SL3. आई एम टेकिंग यू टू दैट लोकेशन एंड विल एक्सप्लेन यू समथिंग मोर अबाउट द प्रोजेक्ट। इन द मीनवाइल आई विल आस्क अंकित वंस अगेन टू रोटेट द कैमरा टू शोकेस यू हाउ द यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गुड़गांव लुक्स लाइक, एंड पॉसिबली इफ यू कमिंग टूवर्ड्स दिस लोकेशन which way you should connect from golf course to golf course extension. The project that you see opposite to the screen is IREO. This project is not yet completed, it's in dispute due to some XYZ reasons. This is the main golf course extension road on which we are traveling at this point of time. Pura ka pura golf course extension road hai. लेफ्ट पे आपका दो टॉलेस्ट टावर्स आप देखेंगे, द सेकंड वन इज होटल हयात एंड दिस इज द फर्स्ट रेड लाइट दैट विल हिट। ओके, हियर वी गो। थोड़ा सा रोड्स का डेवलपमेंट अभी इस रोड पे होना बाकी है। डू नॉट बी अमेज्ड लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द रोड्स बिकॉज देयर इज अ रीजन टू इट, क्योंकि इंडिया इज येट टू डेवलप, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो रोड्स थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड भी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर रोड्स प्लान कर चुकी है कई दफ़ा, लेकिन ड्यू टू हैवी यू नो द ट्रक्स द डंपर्स ये रोड टूट जाता है बार बार। सो दिस इज द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। उधर में आप देख रहे हैं दैट्स द लिकर फोर्ट, यू विल सी बूटलेगर्स एज वेल, and these all the tallest towers, the commercial centers that you see, this is all by the different companies such as Emaar and M3M. बहुत अलग अलग companies का है, पीछे में M3M का है, आगे में Emaar का दिख रहा है आपको, और बस यहीं से हमारा जर्नी शुरू होता है। और बताइए कैसे हैं आप लोग सारे। The weather is little it has changed, thoda sa cold ho raha hai mere ko bhi, but still it's okay, we never give up for work, it's always we should be at a win and win situation, and therefore
लाइफ चलती रहती है भाई, हंसी मजाक चलता रहता है। थार जा रही है यार, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, मन करता है लेने का, लेकिन क्या करें, टाइम के हिसाब से वो भी ले लेंगे। क्यों जी, क्यों अंकित, आगे की तरफ कैमरा रोटेट करो अंकित। दिस इज दी पिकासो सेंटर, दिस इज बाय बीपीटीपी, दिस इज दी बीपीटीपी यू नो सेंट्रा वन। बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे इस स्पेसिफिक पैच के ऊपर। यू सी अ पर्सन हु साइकिलिंग है, लुक एट दिस गाय, वेरी नाइस, दैट्स हिज डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। पूरी बाबा कहीं से भी काट देते हैं लोग, हिंदुस्तान हमारा अच्छा है। ओके, सो वी गोइंग टूवर्ड्स द सेक्टर 57, दिस इज द मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। द रीजन वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेक्टर 57 इज क्रिस्टल क्लियर। वी आर ट्राइंग टू शोकेस यू अ न्यू डेवलपमेंट व्हिच इज कमिंग अप इन द हार्ट ऑफ द सिटी, सेक्टर 57, द सुशांत लोक फेज 3। दिस इज a beautiful development which M3M is coming up with. Okay, we've just trespassing this specific golf course extension road. Ye M3M ka office hai, thoda sa tilt karke ek bari dikha do at the back side, which has just gone. Aur ye aapka, just a moment, yes, this is the okay, this is the place we're going towards. सेक्टर 57 में अब हम एंटर कर जाएंगे, अनदर फ्यू मीटर्स अवे। दिस इज द 60 मीटर रोड ऑफ दिस सेक्टर 57। ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी दिस इज एन HDFC स्कूल व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड, इट्स ऑलरेडी देयर, किड्स आर यू नो स्टार्टिंग इन दैट स्पेसिफिक स्कूल। इसी रोड पे राइट हैंड साइड पे अब आप देखेंगे ये सारे होर्डिंग्स वगैरह, ये 2x3 के पोल कियोस्क ब्रांडिंग हुआ हुआ है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है M3M का, द नेम इज नॉट येट डिस्क्लोज्ड, दिस इज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, इट्स अ न्यू डेवलपमेंट बाय M3M। दे कमिंग अप विद अ ब्यूटिफुल यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर। और आसपास की फैमिलीज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तकरीबन मोर देन 2 लाख प्लस फैमिलीज आर रेसाइडिंग इन दिस लोकेशन। इस सराउंडिंग्स को आप देखोगे, ये आपका HDFC स्कूल आ गया दैट वी टॉक्ड अबाउट, दिस इज द HDFC स्कूल। दिस इज द HDFC स्कूल दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी दिस इज अ बूम प्लाजा, यू विल सी अ गैस फिलिंग स्टेशन, गैस पंपिंग स्टेशन एज वेल बाई ईसार। ये आसपास में आपका बूम प्लाजा है विच इज़ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अ कमर्शियल सेंटर विच इज़ ऑपरेशनल, एंड दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड, वी हैव अराइव्ड एट द लोकेशन। दिस इज द कंप्लीट लोकेशन, इट्स अ कॉर्नर प्लॉट ऑफ 1.42 एकर्स, दैट्स द डेवलपमेंट बाय M3M। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट येट आउट सिंस द रेरा नंबर इज इन प्लेस। It will take another 1 week's time for the developer to get the RERA number in place and then they will launch the project. I can just give you an oral dictation what is coming here. Ek bari udhar ki taraf gaadi leke main aapko explain kar deta hu. I'll give you an overview what they're coming up with. So ye pura ka pura 60 meter road hai, uske side mein adjoining mein 24 meter road hai, and this specific location will take you towards the RD city which is sector 52. Ab yahan se, here we go, we take a U-turn. Okay, these are some of the hoardings that people have placed. Aray, H block mein toh humne shoot bhi kara tha idhar mein. Kyo? We've done this. Okay. This is the location on my left hand side. This is by, again, the same developer, M3M. And this project has a summarization of ground level. क्या क्या चीज़ें यहाँ आ रही है अब मैं आपको समझा देता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा एक बारी दिखा भी देता हूँ। भाई यहाँ पर they're coming up with G+3, they have a lower ground floor which will go to the hypermarket, they've got the basement 2,
which is dedicated specifically for the car parking. Basement 3 as well, it's dedicated specifically for the car parking. They're coming up with a commercial complex ground floor pe earth level ke saath inka road level match hota hai. Approximately they have 40 plus units on the ground floor, and tentatively jo size hai, this on the ground floor starts with 1100, goes till 2200. Agar main first floor ki baat karta hun, jo size hai, starts with 650, goes in the multiples of any area that you purchase, maybe around 1100. If you talk about the second floor ke upar jo aapka size hai, this starts with 350 or goes till in the multiples again, or maybe aap 600 and something bhi le sakte hain iske andar. Second floor pe ek advantage aapko ye milta hai ki yahan par aapko retail stores bhi hain, aur saath hi saath aapka retail stores ke saath mein aapka restaurant space bhi hai second floor pe. Aur iska last but not the least, which is the third floor consists of the complete fooding. The third floor plate is dedicated towards the food court. Now let's talk about the project, what the development is all about. जो मैंने आपको summarization बताया था, ये elevation का बताया है. इसमें अगर मैं आपको height की बात करूँ anchor stores की जो ground floor पे होते हैं, उसका height है तकरीबन 30 feet. This is a mezzanine store that one can create and one can develop of his own self. देन अगर आप फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, उसमें 15 फीट का है, सेकंड फ्लोर पे भी 15 फीट का है, थर्ड फ्लोर पे भी 15 फीट का है. इसके साथ साथ M3M इज कमिटेड टू एन एक्सेलेंस. दे आर ऑल्सो गिविंग इन्वेस्टमेंट. इसके अंदर कितने से स्टार्ट होती है? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स विद 77 लाख रुपीज़. 70 से 77 लाख रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट शुरू होती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज एनी अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट विद M3M, they will give you an assured rental of 12% per annum for the till the time you get the possession of the property. That's the best part. Let's move a little more forward and showcase you the left side of the project, and should also explain you ki kya kya cheeze aur aa rahi hai yahan par. Ye aapka tehsil office hai Wazirabad, towards the left hand side. This is the site. Ye aapka left hand side pe corner ka लोकेशन आपको आ रहा है, और ये पूरा का पूरा रोड जो है, दिस विल गेट डेवलप वेरी सून. ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, सो डोंट बी वरिड अबाउट द सेम, दिस विल बी क्लियर्ड ऑफ. ये आपका तहसील है, सिंस दिस इज़ गुरु नानक पुरब आज, तो आज इसकी छुट्टी है तहसील की. ये पूरा डेवलपमेंट आप देखेंगे, कितनी फैमिलीज यहाँ पर रहती है, यू विल सी हाई राइज. ये पूरा तहसील का एरिया है, ये हाई राइज है आपका. दिस इज़ योर HDFC स्कूल विच इज़ bang opposite to the tehsil of this specific sector. Aas paas mein agar seedha jayenge to sara ka sara commercial developments hai. People are engaged in making the builder floors. Yahan par rail vihar hai, ye sector 57 ka. Thoda sa aapko idhar se bhi ghuma dete hain. Let's showcase you something more. Why should someone invest here in M3M in this commercial project, which is a cornered property? Let me tell you the pricing in Gurdat City Center, which is just the in the nearby surroundings, जो कि आपका मेलबू टाउन के सामने पड़ता है. उसके अंदर कमर्शियल स्पेस अगर आप लेने जाते हो रिटेल की, खासकर जहाँ बाटा का शोरूम है, द प्राइस ऑफ दैट कमर्शियल स्पेस इज गोना बी टचिंग यू समवेयर अराउंड 80 to 85,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. इट कैन गो लिटिल मोर हायर डिपेंडिंग अपॉन दी यू नो लोकेशन दैट यू परचेज. इसके साथ ही साथ अगर आप एलिमेंट सिटी जो आपके और भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे यूनिटेक आर्केडिया हो गया, एलिमेंट सत्या सिटी हो गया, वहाँ पर भी प्राइजेस का अच्छा खासा वेरिएशन है. आसपास का जो क्राउड है यहाँ से उठ के उधर की तरफ भी जाता है. और अगर मैं बात करूँ कि क्राउड उधर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. वेयर एन ऑप्शन तो है, लेकिन एक ब्रांडेड जगह जहाँ पर एक ऐसा सेंटर जहाँ पर यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ, दैट इज समवेयर not here in the region. M3M एक ऐसी commercial complex यहाँ पर बना रहा है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें you will get under one roof. You do not have to hop yourself from one place to another. आसपास की families हैं, कई बार travel करती हैं, दूर दूर तक जाती हैं, लेकिन we'll make sure कि भाई M3M ने आज तक जितने भी projects deliver करे हैं before time करे हैं, time से पहले deliveries दी हैं. और what I purposely believe कि भाई अगर टाइम से डिलीवरी कोई देता है तो वो M3M है. एंड M3M अच्छे अच्छे ब्रांड्स को लेके आता है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की
डेफिनेशन क्या है कि भाई उनका लीजिंग टीम अपना है, सेटअप है अपना पूरा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इसमें प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको एक क्वेश्चन भी होता है कि भाई लीजिंग पे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। M3M हैज़ ओपन्ड अप विद अ वेरी यू नो क्लियर विजन कि भाई यहाँ पर लीजिंग का सबको असिस्टेंस मिलेगा प्रॉपर तरीके से। लीजिंग का असिस्टेंस आपको मिलेगा, आपकी जो कमर्शियल शॉप है या जो भी आप एंकर स्टोर्स कुछ भी लेते हैं वो आप खुद भी लीज पे चढ़ा सकते हैं। इफ़ यू हैव अ बेटर ऑप्शन एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ बेटर ऑप्शन, M3M इज ऑलवेज बैकिंग यू विद अ बैक वेयर एंड दे विल हेल्प यू फॉर एन असिस्टेंस। अगर मैं आज की डेट में ग्राउंड फ्लोर के रेंटल्स की बात करता हूँ, द ग्राउंड फ्लोर रेंटल हेयर वुड बी समवेयर अराउंड नॉट लेस देन 300 रुपीज़ टू 350 रुपीज़ इन द नियर फ्यूचर। एंड अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो तकरीबन 200 से 250 के बीच में इसमें रेंटल्स की मैं उम्मीद कर सकता हूँ और मे बी मोर। आज की डेट में थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा तो 150, 170 या 95 से 150 के बीच में। अब मैं बात करता हूँ M3M के प्रोजेक्ट के बारे में जिसके सामने मैं इस समय खड़ा हूँ, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। जहाँ से मैं इस समय द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंस दिस इज़ द 60 मीटर रोड, एज आई एम रीइटरेटिंग यू वंस अगेन, यहीं से आपका एंट्री है। इसके अंदर तीन आपका लिफ्ट्स हैं ग्राउंड लेवल पे, एक एस्केलेटर आपको M3M दे रहा है और जो इसके अंदर पेमेंट प्लान्स है बहुत फ्लेक्सिबल है। यू जस्ट हैव टू पे 50% initially and 50% on possession. Now, conditionally we can discuss this little later कि भाई आपका payment plan थोड़ा सा और flexible भी कर सकते हैं depending upon the you know situation of a client that what they're coming up with. So ये एक आपका tour था M3M का जो नया project आ रहा है उसके साथ। M3M के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, M3M has a very huge land bank of 2200 acres इन द सेम रीजन गुरुग्राम, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। आई एक्सपेक्ट M3M टू बी यू नो टू बी देयर स्टैंडिंग टॉल विद देयर कस्टमर्स एज ऑलवेज, और हम लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के साथ काफ़ी टाइम से। दिस वी हैवंट स्टार्टेड इट येट, हमने काम करना कभी शुरू नहीं करा, जस्ट बिकॉज वी वर एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटीज़। नाउ वी आर कमिंग अप विद M3M's प्रोजेक्ट, सो विश अस अ वेरी गुड लक। And let me explain you something more about the, you know, infrastructure कि भाई कहाँ पर हम लोग आ गए हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा कैमरा को रोटेट कर दो। ये सामने ओकस की बिल्डिंग है, इधर की तरफ राइट पे अगर हम जाते हैं, here we go, इधर से हम निकल गए इधर, और ये रोड जो आपका है this will take you towards the another place which is connected with sector 57 itself. This is the White House, you know, township right hand side mein. Bhai ek bari golf estate bhi dikha dein kya? Haan ji Gaurav ji, ye Orchard Island hai. This is the Orchard Island, isko aap dekh rahe hain yahan par. So आसपास की सराउंडिंग्स में इतना अच्छा हैबिटेशन है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दूर दूर तक। यू विल सी सो मेनी फैमिलीज आर स्टेइंग, दिस इज अगेन अ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, द प्रोजेक्ट नेम इज द आरजू, अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इन टोटैलिटी। दिस इज द कनेक्टिंग रोड टुवर्ड्स द गोल्फ कोर्स, this road will take you towards the golf course road from where we started our conversation, jahan se bhai humne shuru kara tha. Aapke left hand side pe pura banjara market aayegi, jahan aapko apne ghar ke liye kuch antiques wagera bhi agar purchase karne ho to this is the best place, a best shopping destination for you know housewives or maybe the male of the house or the lady of the house, the man of the house. ये आपका पूरा का पूरा बंजारा मार्केट है, इधर में जलवायु टार्स हैं, आने वाला है ये डेस्टिनेशन। कैमरा इधर की तरफ टिल्ट कर दो अंकित। ये आपका बंजारा मार्केट शुरू हो गई, आप देख सकते हैं किस तरीके का क्राउड है, क्या जेंट्री है गुरुग्राम में। पीपल आर एक्चुअली लोग घूम रहे हैं यहाँ पर,
अपने घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, कम पैसों में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है। सो ये एक ओवरव्यू था आपको जिस लोकेशन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आगे में चल के यू विल कम अक्रॉस टू डिफरेंट मॉल लोकेशंस। सो टाइम टू फाइनली यू नो रीच फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। दिस इज़ ऑल बंजारा मार्केट मूविंग विद यू। आपके साथ साथ बंजारा मार्केट चल रही है। ये पूरा का पूरा आपका वही मार्केट कॉन्टिन्यूड है। सो ये जो रोड है आपको अगर आप इधर से यू टर्न लेकिन इफ यू गो स्ट्रेट दिस विल ऑल्सो कनेक्ट यू टूवर्ड्स द M3M साइट इन सेक्टर 57। एंड ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये सामने ये आपका आ गया गोल्फ कोर्स रोड। हियर वी गो, वी टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वी आर almost now on to the main golf course road. हम पहुंच गए जी golf course road वापसी। ये sector 54 का metro station है। towards the left hand side you'll see the Centrum Plaza. अगर आप इस road को देख के commercial developments के बारे में कुछ सोच सकते हैं तो ये सोचिए कि यहाँ पर आज की date में कोई खरीदार आता है खरीदारी करने के लिए तो कितने valuations आए हैं। extensive price हाय है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया के कॉरपोरेट्स हैं। एवरी सिंगल कंपनी दैट यू कैन थिंक अबाउट व्हिच इज लिस्टेड इन फोर्ब्स हैज देयर ओन ऑफिस हेयर इन गुरुग्राम। दिस इज तपस्या, यू गॉट शॉपर स्टॉप, दिस इज वरांडाज, ला लगून, द लग्जरी राइड गुरुग्राम, this is all Vatika Towers on my right hand side. Here we go. Gurgaon never sleeps. Beautiful place, a beautiful destination to talk and talk and talk more about this location which is endless. This is a city which never sleeps. Bhai aapke left hand side pe abhi bahut achhi developments aane wali hain. अब आप ये देखिए कि डेवलपमेंट्स किस तरीके की है। द फर्स्ट डेवलपमेंट दैट यू विल कम अक्रॉस विल बी द न्यू होराइजन टावर बाय DLF। पारस का डाउनटाउन सेंटर भी है सामने में नज़र आ रहा है। वाटिका की भी डेवलपमेंट है। यू ऑल्सो हैव दिस इज DLF फेज 5 ऑन द राइट हैंड साइड। आपका पार्क प्लेस क्रेस्ट, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ गुरुग्राम रीजन। तो अगर इस लोकेशन से आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन कनेक्टेड है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से आपका M3M का लोकेशन सेक्टर 57 कनेक्टेड है तो मेरे दोस्तों इंतज़ार मत करो। डोंट वेट फॉर अ ब्लू मून टू कम ओवर। गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर लिस्टेड अबव एंड बिलो एंड विल हेल्प यू फॉर अ साइट विजिट, विल एक्सप्लेन यू द प्रोजेक्ट, विल टेक यू टूवर्ड्स द मेन प्लेस वेयर यू कैन फिल अप योर फॉर्म एंड यू कैन गेट एनरोल्ड with M3M India Limited, with M3M Group. आप बुकिंग कराइए, ज़्यादा इसमें सोचिए मत। This is once in a lifetime opportunity that Estate Experts is giving you on their own channel and M3M is also welcoming you for the same. ये पूरा का पूरा आप देखिए, this is your golf course, South Point आ गया, ये आपका Horizon Tower. राइट हैंड साइड में आपका कैमेलियाज। अब हम जा रहे हैं मेन अंडरपास से जो साइबर सिटी की तरफ आपको कनेक्ट करता है। दिस इज सो नीट एंड क्लीन, अ ब्यूटिफुल जुनास्क यू नो व्यू। बहुत ही डिफरेंट है गुड़गांव का थीम भाई। DLF का ऊपर मेट्रो है, इधर में वो भी चलता है। यू विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड में रिन्यू की बिल्डिंग है, MPT टावर्स भी हैं,
You've got Global Foyer Mercedes ka showroom, the most happening location, Manhattan Bar. Ye aapke right hand side mein Magnolias. This is the complete street food that you get here. ये एक ओवरव्यू है गुड़गांव का. ये जानना आपके लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो आपको आसपास की सराउंडिंग्स भी देखनी चाहिए कि भाई गुड़गांव इतना डेवलप कैसे हुआ और गुड़गांव में डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से क्यों है. क्योंकि यहाँ पर लोगों को काम करने की आदत है, लोग यहाँ काम करते हैं. एज आई स्टेटेड कि भाई काम से तो मज़ा ही आता है, काम ही करना चाहिए. ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं डेस्टिनेशंस, गोल्फ डेस्टिनेशन योनेक्स. ये आपका पूरा 43 सेक्टर है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ये डेल का आईटी पार्क है. राइट साइड में आपका हमिया वन सेंट्रल पार्क. ये आपका ग्लोबल फॉयर की बिल्डिंग आ गई. जोमेटो का ऑफिस है. यू गॉट द मैनहट्टन बार एज आई स्टेटेड यू बिफोर. TNT Mercedes. And now you're connecting towards yourself to DLF Phase 1, the DLF Phase 4, the Galleria, and many more destinations, many more places. So, Gurgaon mein investment karne se pehle sochiye mat. Uska reason ye hai ki Gurgaon ka jo past history hai, delivery ka bahut acha hai. Need not to be worried. Give us a call anytime. We're there to assist you 24/7. And we're time to sign off. We're going back to our office. This is another 2 minutes, another 1 minute. Maybe we'll reach our office, or maybe in few seconds. Here we go. This way we take an accelerator. This is my office. This is the place that you should reach. You should come.